गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पार्ट है 9, एक्सरसाइज है 2। अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन 8 टाउन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दे रखे हैं, तो उस कंडीशन के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, इन ए टाउन ऑन फर्स्ट डे, इन ए टाउन, इन ए टाउन ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे the number of children who were administered polio drop are 4054 on second day 158 children were administered decreased to first day। इसमें आपको लिखना है वर डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड टू फर्स्ट डे। अब देखिए, इसकी कंडीशन है, कंडीशन वन है इसके अंदर, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेट polio drop on second day। second number है, find the total number Find the total number of children who administrate
मिनिस्ट्रेट एड मिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप्स देखिए इस क्वेश्चन में है इन ए टाउन एक टाउन के अंदर ऑन फर्स्ट डे पहले दिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप आर 4054 ऑन सेकेंड डे 158 फर्स्ट डे था तो 4054 बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जा चुकी थी। अब देखिए सेकेंड डे है 158 चिल्ड्रन वर डिक्रीज टू फर्स्ट डे। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट डे था तो 4054 चिल्ड्रंस थे उनको पोलियो ड्रॉप दी जा चुकी थी, बट सेकेंड डे 158 चिल्ड्रन वर ओनली 158 चिल्ड्रन तो डिक्रीज्ड टू फर्स्ट डे। तो सेकेंड डे थे क्या डिक्रीज हो गए ना चिल्ड्रंस, कमी आए कंपेरिजन टू फर्स्ट डे। अब देखिए इसमें कंडीशन है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप ऑन सेकेंड डे, तो कितने बच्चे थे बच्चे कितने चिल्ड्रंस थे कब सेकेंड डे। फिर सेकेंड में है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स। तो अब सेकेंड में आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है उसका सबसे पहले हम उसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसी के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप ऑन सेकेंड डे। सबसे पहली कंडीशन है उसका सॉल्यूशन देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप्स पोलियो ड्रॉप्स ऑन सेकेंड डे ऑन सेकेंड डे। तो देखिए फर्स्ट डे पोलियो ड्रॉप्स सबसे पहले क्या लिखना है फर्स्ट डे। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके तो आप इसमें लिखोगे फर्स्ट डे पोलियो ड्रॉप्स पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्ट्रेट तो कितने बच्चों को था ये था 4054 चिल्ड्रंस। ओके अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको लिखना है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे 158 सो लेस 158 ओके डिक्रीज्ड ऑन सेकेंड डे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसी के आगे आपको क्या लिखना है डिक्रीज्ड 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 ऑन सेकेंड डे। अब आपको क्या लिखना है क्या फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए अब आपको लिखना है नंबर ऑफ
अभी आपको यहाँ पे लिखना है 158। क्या करना है आपको इसमें से लेस, तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेट पोलियो पोलियो ड्रॉप्स ऑन सेकेंड डे। अब देखिए 4 में से 8 तो आप लेस नहीं कर सकते हो ना, तो अब आपको बोरो करना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4, यहाँ पे हो जाएंगे 14। आपको 14 में से 8 लेस करना है, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 6। ओके, फिर 4 में से 5 नहीं हो सकता, यहाँ से करोगे बोरो तो यहाँ होंगे 9 और यहाँ होंगे 3 और यहाँ पे होंगे 14। अब आपको क्या करना है 14 में से 5 लेस करना है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे 8 और 9 में से 1 लेस करने पे आप लिखोगे 8 और 3 आपका। अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप्स ऑन सेकेंड डे, तो 3896। ओके, जो फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन थी उसका सॉल्यूशन हो चुका है, अब सेकंड का है। अब देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करना है आपको, तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप्स पोलियो ड्रॉप्स ऑन फर्स्ट डे। सो आपको क्या लिखना है 4054। ओके, फिर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुवर एडमिनिस्ट्रेट पोलियो ड्रॉप्स पोलियो ड्रॉप्स ऑन सेकेंड डे। अब आपको किसका लिखना है सेकेंड डे का, तो देखिए 3896। आपको क्या करना है प्लस, अब आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ओके। सेकेंड जो आपकी कंडीशन थी वो क्या थी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दोनों मतलब डे को कितने बच्चे थे, कितने चिल्ड्रंस थे, वो अब आपको इस सेकेंड कंडीशन में इनका टोटल करना है। तो 4 में 6 प्लस किया तो 10, 5 में 1 प्लस किया तो 6, 6 में 9 प्लस किया तो 15, तो 5 और 1, और 8 में 1 प्लस किया तो 9, 4 में 3 प्लस किया तो
अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? 7950 चिल्ड्रंस थे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।